प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत आज स्थानीय भाजपा कार्यालय अटल कुंज में प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित नमो प्रदर्शनी का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि उद्घाटन के दौरान सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह सहित अन्य भाजपा नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि प्रदर्शनी 2 अक्टूबर तक चलेगी। बताते हैं कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में इसे मनाया जा रहा है, जिसमें हर दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। अब तक रक्तदान शिविर, पौधरोपण से लेकर अन्य कार्य किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में आज नमो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के संघर्षों को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी के जन्मदिवस तक इसे सेवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे संकल्प के साथ आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व जैसा कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी जी के कृतित्व एवं कार्यों द्वारा तथा जीवन के संघर्षों के द्वारा और संकल्पों के द्वारा मोदी जी ने इस मुकाम को हासिल किया है। प्रस्तुत है विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम सहित पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। 17 सितंबर के जन्म दिवस से लेकर के महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर तक ये सेवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार ने एक संकल्प के साथ इसको पूरी तरह से आयोजित किया गया है। केवल इतने कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का दूसरा कोई व्यक्ति है नहीं, तो व्यक्तित्व कोई ऐसा नहीं मिल गया कि नरेंद्र मोदी हैं इसलिए व्यक्तित्व मिल गया। उनके कृतित्व द्वारा, उनके किए गए कार्यों द्वारा, उनके संकल्पों द्वारा जो जीवन में संघर्ष करके इस नए मुकाम को प्राप्त किया है, न केवल हिंदुस्तान के बल्कि पूरे देश के एक तरह से नायक के रूप में देखे जाते हैं। मैं अभी गया था विदेश में टोरंटो में, तो वहाँ मैं गया तो कनाडा में जब मैं देखा तो भारत को कम जानते हैं, नरेंद्र मोदी को ज़्यादा जानते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती, कहीं पूछो। और केवल ये नहीं, ये केवल उनकी प्रेरणा से है, मैं तो दंग रह गया। अमृत महोत्सव वहाँ भी मना रहे हैं, हमारे जो हिंदुस्तान के वहाँ पर प्रवासी हैं जो हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास की गाड़ियों में रैली निकाल रहे हैं तिरंगे झंडे के साथ इस तरह से। तो ये केवल मोदी ही कर सकते थे, ये उनका इसीलिए उस व्यक्तित्व को लेकर के, इसलिए ऐसा करके नहीं कि केवल हम लोग के उनको करना, सेवा सप्ताह के रूप में मनाना, ब्लड का डोनेशन करना, पेड़ों को लगाना, तमाम सारी चीज़ें करना जो भी समाज के लिए उपयोगी हो सकता है, उस काम करने के लिए ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है और तमाम सब लोग लगे हुए हैं। इस अवसर पर मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इसको देखने की आवश्यकता। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक जो सेवा सप्ताह और मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान मध्य प्रदेश के अंदर शुरू हुआ है, उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं, उनके जन्म से लेके और उनका वैराग्य में जाना, फिर राजनीति में वापस आना और फिर सारी दुनिया में जिस तरीके से उन्होंने भारत का परचम लहराया है और वैश्विक नेतृत्व के रूप में उभर के सामने आए हैं, उनके प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा के तत्वावधान में जो हुआ है, उसका उद्घाटन आज आदरणीय स्पीकर साहब ने किया है। और उनके पूरे जीवन परिचय को इस प्रदर्शनी में देखने के बाद, चित्रों को देखने के बाद प्रेरणा मिलती है कि जनसेवा के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जब समर्पण के साथ काम करता है तो जनता का उसको आशीर्वाद ही मिलता है और वो देश के और समाज के को आगे बढ़ाने में किस तरीके से काम करता है। तो मेरी अपील है कि सारे लोग यहाँ पर आकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और मोदी जी के जीवन से जुड़ी हुई जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा के द्वारा, उसको जरूर देखें, उससे और उससे प्रेरणा लें।